हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था, बिल्ली और सोन एक बड़े से पत्थर के पीछे बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर भूत इन्हें मारने आ जाता है और गुल्ली इन्हें बचा लेता है और गुल्ली फुल्ली उस भूत से लड़ने लगते हैं और सोन अपने दुलत्ती मूव का कमाल दिखाता है और तभी इन्हें किसी बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। और अब आगे देखते हैं, ये लोग उधर देखकर खुश हो ही रहे होते हैं। ये भूत इन्हें अपनी कुल्हाड़ी से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं और आते ही उस भूत को अपना शानदार मूव मार देते हैं, जिसे खाकर वो भूत वहाँ से काफी दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा को देखकर खुश हो जाते हैं। तब सोन कहता है, बाबा आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, नहीं तो ये भूत हमें मारकर हमारा भर्ता बना देता। तब गुल्ली कहने लगता है, बाबा गुल्ली ने तो बोला था आप घर पर नहीं थे, तो आप यहाँ कैसे आ गए। तब बाबा कहने लगते हैं, हाँ उस टाइम मैं घर पर नहीं था क्योंकि मैं अपने लिए न्यू बाइक लेने गया था और जब मैं घर मुझे मेरे घर के अंदर एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ मिला। गुल्ली ने उसमें सब कुछ लिख दिया था कि तुम लोग अभी कहाँ हो और किस मुसीबत में हो, इसलिए मैं ज्यादा समय न लगाते हुए जल्दी से तुम लोगों की मदद के लिए आ गया। बाबा ये सब इन्हें बता ही रहे होते हैं कि वो भूत अपनी कुल्हाड़ी को जोर से फेंक कर बाबा के खोपड़े की ओर मारता है, मगर बाबा बड़ी सावधानी से उस भूत के हमले से बच जाते हैं और वो कुल्हाड़ी एक पेड़ में जाकर फंस जाती है। और बाबा अब इस भूत को नहीं छोड़ने वाले, इसने बाबा पर हमला कर ठीक नहीं किया। और बाबा गुल्ली बुल्ली सोन से कहते हैं, तुम तीनों यहीं रुको, मैं उस भूत को ठिकाने लगा कराता हूँ। इतना बोलते ही बाबा दौड़ते हुए उस भूत के पास जाने लगते हैं और उस भूत को अपना एक लत्ती मारते हैं और वो भूत कुछ दूर जाकर गिरता है और फिर वो भूत तुरंत वहाँ से उठकर बाबा के पास आता है। बाबा और उस भूत में एक जोरदार लड़ाई होती है। इस लड़ाई को देखकर लगता नहीं है कि बाबा इस भूत को इतनी आसानी से हरा पाएंगे कि तभी बुल्ली बोलता है, बाबा हमने भी इस भूत को बहुत मारा पर इस भूत को कोई असर ही नहीं होता है। और फिर बाबा दौड़ते हुए उस भूत के पास जाते हैं और उस भूत के सिर पर अपना शानदार लत्ती मारते हैं, जिसे खाकर वो भूत वहीं 2 मिनट के लिए ढेर हो जाता है। और बाबा को थोड़ा बहुत समय मिल गया है जिससे वो उस भूत को मारने का तरीका खोज सके और बाबा अपनी आंखें बंद कर उस भूत को मारने का तरीका खोजने लगते हैं। और कुछ देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और गुल्ली बुल्ली सोन से कहते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों को जल्दी से इस भूत की कुल्हाड़ी को लाना होगा, तब तक मैं इस भूत को यहीं रोकता हूँ क्योंकि इस भूत को इसके कुल्हाड़ी से ही मारा जा सकता है। ये तीनों कहते हैं ठीक है बाबा और उस कुल्हाड़ी को खोजने तीनों तीन तरफ जाने लगते हैं। और फिर वो भूत बाबा से कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि जाड़े में ठंड से और खूनी सड़क पे मेरे आतंक से कोई नहीं बच सकता। तब बाबा कहते हैं, वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन मरता है और कौन बचता है। और इतना कहकर बाबा दौड़ लगा देते हैं और उस भूत को अपना हवाई वन साइड लत्ती मारते हैं। ये लोग ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। अब इधर देखते हैं, तभी वो कुल्हाड़ी बुल्ली को मिल जाती है और बुल्ली उस कुल्हाड़ी को निकालने की कोशिश करने लगता है और कुल्हाड़ी वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तब बुल्ली गुल्ली को वापस बुलाने जाने लगता है कि ये दोनों साथ में मिलकर उस कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लें, कि तभी बुल्ली से कोई कहता है, ये लो कुल्हाड़ी और ले जाओ। और तभी बुल्ली उधर देखकर सोचने लगता है, ये है कौन। बुल्ली कुल्हाड़ी लेने जाने लगता है और कुल्हाड़ी लेकर झटके से उस आदमी को बाहर खींच लेता है और उस आदमी को देखकर बोलता है, क्या तुम वही हो जिसने गुल्ली और सोन की मदद की थी। तब वो आदमी बोलता है, जल्दी कुल्हाड़ी लेकर बाबा के पास जाओ, बाबा उस भूत से काफी देर से लड़ रहे हैं। तब बुल्ली कहता है, तुम बाबा की टेंशन मत लो, बाबा ने अच्छे अच्छे भूतों को पानी पिलाया है, मगर तुम बाबा को कैसे जानते हो। और तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है और बुल्ली सोच में पड़ जाता है, आखिर आदमी यहाँ से इतनी जल्दी कहाँ चला गया। इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए बुल्ली कुल्हाड़ी लेकर जाने लगता है और तभी सोन और गुल्ली भी बुल्ली के पास आ जाते हैं और ये तीनों कुल्हाड़ी लेकर बाबा के पास जाने लगते हैं। और अब अगले पार्ट में देखते हैं, क्या बाबा और गुल्ली बुल्ली सोन उस भूत को मार पाएंगे और आखिर वो आदमी कौन था जिसे बुल्ली ने देखा था। ये सब हम अगले पार्ट में देखते हैं। और आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप लोग कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा, हम अपने वीडियो में आपका नाम भी लेंगे और जवाब भी देंगे। और आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस समय मेरी आवाज़ का सर डाउन है क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में मेरी आवाज़ थोड़ी सही थी, बीच में ऐसी हो गई क्योंकि हमें रिकॉर्ड करने में 1 या 2 दिन लग जाता है। और वीडियो के लिए इतना कहूँगा भाई, आवाज़ सपोर्ट नहीं कर रही है, लोग जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।